कल यानी कि 10 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पूरे सूबे का निरीक्षण। जीपीओ इलाके में नई बिल्डिंग बनाने को लेकर किया निरीक्षण। खाली जगहों पर बनाई जाएगी नई बिल्डिंग। उन्होंने कहा कि बुद्ध स्मृति मार्ग के पीछे के हिस्से में बनाया गया है पार्किंग। पार्किंग का इस्तेमाल करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने सभी लोगों से अपील की। साथ ही साथ उन्होंने हाथ जोड़ के बिहार की जनता से मास्क का प्रयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही प्रेस पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अनलॉक 2 के बारे में भी विचार को लेकर अपनी बात साझा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था, यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही, जब साथ से तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए, तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो ये बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे, तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी, तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिज़ाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीज़ें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। इन सब बातों पर ही लोग काम कर रहे हैं। सर, आप कल ही आपने कहा था कि लोग मास्क जरूर लगाएं। देखिए, कल हम देख करके चले आए एक एरिया में, एक आध एरिया हम दूसरे दिन भी जाएंगे, तो हमने देखा कि भीड़ ज़्यादा नहीं है। हम सीधे जा रहे थे और दानापुर साइड में वही सब देख करके हम आए, लेकिन हमको थोड़ा कुछ लोग लगते थे कि मास्क नहीं पहने रहते थे। हालांकि जिनकी नज़र पड़ती थी उनको हम ऐसे इशारा करते थे, लेकिन हमने देखा कि भाई लगी और सब लोगों को इसके लिए प्रेरित करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन ख़त्म किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीज़ों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतजाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे, क्योंकि एक सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, DMs वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखिए लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत ज़रूरी है, अभी आगे के कुछ समय के लिए सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी, इसलिए देख लिया। और आज चूँकि कहा कि भाई सुबह में ही हम लोग 8 बजे निकल करके 2 जगह देख लेंगे, क्योंकि इन लोगों को फाइनलाइज करना और काम शुरू करना है। तो अभी इसी बीच में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो उनको प्रेजेंटेशन किए हुए थे, तो ये बात हो गई थी अगर ये ख़त्म होगा तो चल के देखिए, ताजे ही देखने आ गए। अभी सब काम भी तो होना चाहिए, एक तो कोरोना की बात अलग, लेकिन बाकी सब काम भी तो हम लोग डेवलपमेंट करते ही हैं और लोगों को काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए, तो ये सब है। लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क का जरूर कहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो किए रहेंगे तो उस पर असर कम पड़ेगा। और कल हम ऐसे ही एक न्यूज़ देखे कि साहब छूट दे दी गई है, तो फिर कहीं कहीं कुछ अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्य के बारे में, तो हमको तुरंत चिंता हुई। हमने कहा कि तो चल करके हमको अपने यहाँ देखना चाहिए कि जरा भी कोई इसका उल्लंघन न करे, तो इसी के लिए लालू जी को बधाई देंगे आज उनका चौथा। हमारी हम तो सब दिन बधाई देते हैं।